हसीन सपने मत बनाना, रंगीन सपने मत बनाना, डेमो के लिए क्लास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा पानी जो है ना, वो पानी हम इसमें डालेंगे। बस थोड़ा सा पानी जो है हमने इसमें डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा एक्वा जेल जो है, ये एक्वा जेल हम थोड़ा सा इस पानी में हम डालेंगे। हमने थोड़ा सा एक्वा जेल जो है ना इस पानी में डाला। अब क्या लगता है आपको क्या होगा, एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ हमने पानी में थोड़ा सा एक्वा जेल डाला हुआ है, दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है? क्या फर्क नजर आ रहा है? ये पानी वैसे का वैसे है। यहां पे देखो जो हमने एक्वा जेल डाला तो वो फूल रहा है धीरे धीरे करके, वो जो एक्वा जेल हमने डाला था वो फूल रहा है, वो पानी को अपने अंदर ले रहा है। अब देखो उसमें नॉर्मल पानी है और इसमें पूरा पानी है, इसमें दिखाई दे रहा है पानी है, लेकिन वो एक्वा जेल के जो दाने होते हैं ना उसके अंदर पानी है, ऊपर पानी नहीं है। अब लगभग ऐसा अगर आप अपने कोई फसल में डालोगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ये डेमो दिखाने के बाद है ना उनको डर लगने लगता है कि अरे ये कौन सी नई चीज आ गई। ये लगभग आपके खेतों में 50% पानी को कम करने हैं, 50% पानी की बचत। अब देखो पानी की बचत 40% ये आपकी खाद को बचाने में काम करता है। अब आप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पानी से भरा हुआ ग्लास उल्टा करके दिखाए, मेरी तरफ से कंपनी की तरफ से एक्वा जेल आपको फ्री। कोई भी पानी से भरा हुआ ग्लास ऐसे आप उल्टा करके दिखाओ तो आप उसको पकड़ेगा। सर के हाथों में मैंने दिया है, ऐसा ना लगे आपको कि सर के हाथ में कोई जादू है, इसलिए हमारे किसान भाई यहाँ पे है, हमने इन्हीं के हाथों में दिया है, लेकिन जादू हाथों में नहीं है, जादू प्रोडक्ट में है, राइट। अगर आप देखोगे सर यहाँ से थोड़ा खुला हुआ है कि नहीं, लेकिन फिर भी उसने प्लास्टिक का जो ग्लास है उसको पकड़ के रखा है। अब देखो ऐसे आपका हाथ हमने डाला था कितना थोड़ा सा, उसका बना कितना बड़ा। जितनी बार ये पानी के संपर्क में आएगा उसमें का पानी डालना, जितनी बार ये पानी के संपर्क में आएगा उतनी बार ये पानी को पकड़ेगा। आपने खेतों में पानी देना बंद कर दिया तो जो इसने पानी पकड़ के रखा है वो छोड़ना चालू कर। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आप सुरंग तो भी यहाँ पे लाओ तो आप बताओ बताओ यहाँ लेता हो नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक नई बात पता चली, इसको बोलते हैं सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। या आपको ऐसे पानी नजर नहीं आएगा, लेकिन आप उसमें जब उंगली डालोगे ना तो आपके हाथों में हल्का सा पानी लगेगा वहां पे। इसको हम बोलते हैं सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। और ये पॉलीमर इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि एक बार डालने के बाद 5 महीने तक ये काम करता है, 5 मंथ्स।
यानी आप एक बार सोच के देखना, हमारे यहाँ पे जो कपास लगती है वो कितने महीने की होती है? 6 महीना। हमारे यहाँ पे जो मूंगफली आती है वो कितने महीने की है? 3.5 महीने की। जीरो कितने महीने का है? 3। इसके बाद चना 3। मतलब जितनी भी सारी फसल हमारे यहाँ पे हम करते हैं लगभग 4-5 महीने से अंदर है, तो एक बार डालने के बाद ये 5 महीने तक काम करते हैं। हमें डालना क्यों चाहिए? हमें डालना इसलिए चाहिए क्योंकि पानी की सबसे बड़ी समस्या है आने वाले समय में। दूसरा, हम जो खाद इस्तेमाल करते हैं, जो खतर हम डालते हैं, अक्सर आपके यहाँ पे कपास लगेगा अभी आने वाले समय में, तो बहुत सारे किसान बाद में यूरिया डीएपी डालते हैं। तो मेरा उन सभी किसान भाइयों से एक सवाल है, आपने यूरिया डीएपी डाला, बारिश हो गई, खेतों में पानी भर गया, तो जो यूरिया डीएपी आपने डाला था उसका क्या होगा? क्या होगा उसका अगर खेतों में पानी भर गया? लीचिंग हो जाएगा, वो पानी के साथ बह के चले जाएगा। तो जो आपने डीएपी डाला था उसका फायदा आपको मिलेगा? तो ये लीचिंग को भी रोकने में काम करता है। अगर ये पानी के ग्लास को पकड़ के रख सकता है तो मिट्टी को भी तो जरूर पकड़ के रखेगा। अगर प्लास्टिक का ग्लास ये पकड़ के रख सकता है तो मिट्टी को भी जरूर पकड़ के रखता है। और इन सारी समस्याओं के कारण हमारे किसान भाई बहुत दुखी है। हर किसी को लगता है किसान दुखी है, लेकिन उसको सुखी करने के लिए कोई ट्राई नहीं करता, हम करते हैं। जहां पे पानी कम है, गर्मियों के मौसम में हमारे पास पानी की बड़ी दिक्कत आती है, हमें दूसरों से पानी लेना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, दो किसान है, उसके यहाँ पे दोनों ने सेम फसल लगाई, उसकी यहाँ पे खेती बड़ी अच्छी आ रही है, पानी है, सब कुछ है। आपने फसल लगाई, आप पानी उनसे उधार मांग रहे हो, जब तक वो पानी नहीं देगा आप अपने खेतों में पानी दोगे? तो फसल को अगर पानी ना मिले क्या होगा? सूख जाएगी। तो आपको तब तक वेट करना होगा कि जब तक वो पानी दे तब मैं अपने खेतों में पानी दूंगा। सिंपल है, जहाँ पे पानी कम है, जहाँ पे बारिश कम होती है, आने वाला सीजन अभी मूंगफली का है, पहली बारिश हो गई, उसके बाद महीनों भर तक बारिश नहीं, क्या करोगे? हमारी मूंगफली रहेगी? मैं आपको बता दूं, एक बार अगर आप शुरुआत में एक्वाजर इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल करने से लेके पहले पानी और दूसरे पानी में करीब करीब 15-20 दिन का फर्क पड़ता है, 15-20 डेज। इसके बाद जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, जो कि जुलाई अगस्त सितंबर में आपने देखा होगा, बारिश बहुत ज्यादा होती है, खेतों में पानी भर जाता है, और ऐसे हालत में अगर खेतों में पानी भरा हुआ है, क्या हमारी फसल बच पाएगी वहां पे? सिंपल सी बात है, पानी में अपना हाथ आप आधा घंटे के लिए ऐसे डिप करके रखो तो यहाँ पे सफेद सफेद पूरा हाथ हो जाता है। अगर हफ्ते भर तक पूरी फसल खड़ी पानी में है, फसल खराब हो जाएगी। तो क्या वो पानी जो आपके खेतों में जमा है उसको आप हाथों से निकाल सकते हो? तो ये एक्वाजर वहां पे काम करता है। अगर पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर पानी ज्यादा हो गया, खेतों में पानी भर गया है, तो सिंपल अगर आप वहां पे एक्वाजर डालोगे तो धीरे धीरे करके वो पानी भी ऑटोमेटिकली कम होता होगा, आपको दिखाई देगा। इसके बाद लीचिंग, जिसको हम बोलते हैं, यानी आपने यूरिया डीएपी डाला और पानी दिया या फिर बारिश हो गई तो पानी के साथ वो यूरिया डीएपी बह के चला गया, तो कोई मतलब नहीं है आपने मिट्टी में क्या डाला। लेकिन अगर उसी डीएपी में अगर आप एक्वाजर को मिक्स करके डालते हो तो ये पकड़ के रखने में काम करता है, पानी के साथ बहने नहीं देता। अगर ये प्लास्टिक के ग्लास को होल्ड करके रख सकता है तो मिट्टी को तो जरूर होल्ड करके रखता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भारी बारिश होती है तो मिट्टी में कटाव होता है, मिट्टी बीच बीच में कट जाती है, तो मिट्टी को पकड़ के रखने की भी ताकत एक्वाजर में है। इसको बस इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है, शुरुआत के समय में एक्वाजेल पानी के अलावा आप सभी प्रकार
प्रकार की खाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे तो आप इसको मिट्टी में डाल सकते हो, चाहे तो आप इसको यूरिया डीएपी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे गोबर की खाद है तो गोबर की खाद के साथ भी आप डाल सकते हो, लेकिन पानी के साथ बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। पता नहीं लोग अलग अलग तरीके से क्या सोचते हैं। आज भी मुझे ये लोग पूछते हैं कि सर एक्वाजेन कितना स्प्रे में इस्तेमाल करें। मतलब अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये पूरा पानी होल्ड करेगा, तो क्या हम इसको स्प्रे में डाल सकते हैं? एक एक जो इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ने जो टपक सिंचाई होती है ना वो उसमें इस्तेमाल किया था। 200 लीटर का ड्रम लिया था और 200 लीटर पानी में उसने पूरा एक्वाजेन का एक पैकेट डाला हुआ था। पानी आगे भी नहीं जा रहा था और पीछे। वैसे का वैसे ही पानी वहां पे था। तो पानी के अलावा आप इसको किसी भी प्रकार की खाद के साथ मिला के डाल सकते हो। डालना कितना है, एकड़ में 1 से 2। चाहे तो आप इसको बुआई के साथ डालो तो भी चलेगा। अक्सर बुआई करते समय आपने नहीं डाला तो बाद में 20-25 दिन बाद जब हम खाद इस्तेमाल करते हैं या फिर हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ह्यूमस ग्रैन्यूल, उसके साथ भी आप मिला के डाल सकते हैं। लेकिन डालना कितना जरूरी है, 1 से 2। अगर आप शुरुआत में नहीं डालोगे, बाद में अगर बारिश कम हो गई तो उस चीज़ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप शुरुआत में डालते हो एक पानी भी उसमें आ जाता है, उसके बाद अगर 20-25 दिन तक पानी भी दिए तो भी घबराने की बिल्कुल बात नहीं। नेक्स्ट, अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ह्यूमिक और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स।